नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी और दिन शुक्रवार है। पंचमी तिथि आज सुबह 6:37 तक ही थी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:24 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:29 तक साध्य योग रहेगा। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:05 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आज सुबह 8:14 पर सूर्यदेव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 19 नवम्बर की दोपहर 2:12 तक यहीं पर रहेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 नवंबर की सुबह 7:23 से 8:04 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 नवंबर की सूर्योदय से सुबह 8:45 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:47 से दोपहर 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 10:07 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 10:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:47 से दोपहर बाद 3:01 तक और शाम 4:25 से रात 10:11 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:47 से दोपहर बाद 3:01 तक और शाम 4:25 से रात 10:11 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 नवंबर की सुबह 7:07 से 9:07 तक और दोपहर 11:11 से दोपहर 2:36 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 12:27 तक और रात 2:44 से अगली सुबह 6:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने में सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 7 नवंबर की सुबह 6:22 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 तक। मुंबई सुबह 10:57 से दोपहर 12:22 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:45 से दोपहर 12:06 तक।
लखनऊ सुबह 10:27 से दोपहर पहले 11:50 तक, भोपाल 10:40 से 12:04 तक, कोलकाता सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:20 तक, अहमदाबाद सुबह 10:59 से दोपहर 12:23 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:26 से दोपहर पहले 11:52 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज जिस काम को पूरा करना चाहेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। किसी जरूरी काम के पूरा होने पर बधाइयां देने के लिए घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। आज कोई आपकी निजी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। अगर पहले आपकी किसी रिश्तेदार से अनबन हुई है तो आज रिश्तों में सुधार हो सकता है। आज दुश्मन आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज तकदीर आपके साथ रहेगी। आज किसी दूसरे के काम में राय देने से बचें। आज दूसरों से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। अगर आज पहले से ली हुई ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं तो आपको इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। इस राशि के जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर से बाहर जाते समय कुछ एक्स्ट्रा पैसा साथ लेकर जाएं। अचानक कोई ज़रूरत पड़ सकती है। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, साथ ही किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा भी आ सकता है। सफलता आज आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। आज सामाजिक कार्य के कारण सम्मानित किया जा सकता है। कई दिनों से चल रही परेशानियाँ आज खत्म होंगी। माता पिता के आशीर्वाद से काम अच्छे से बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बना सकते हैं। आज किसी समारोह में पहुंचने में आप थोड़ा लेट हो सकते हैं। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को आज एक सुनहरा मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए स्पाइसी खाने से दूर रहें। दोस्तों के साथ विदेश यात्रा की प्लानिंग करेंगे। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आर्थिक लाभ की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। मौसम के बदलने से आज थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। पुराने दोस्तों के साथ फोन पर लंबी बात होगी। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। जिस पड़ोसी से पहले अनबन हुई थी वो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आज स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। कुछ नए लोगों से दोस्ती भी होगी। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आज रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस राशि के बुकसेलर्स के लिए आज का दिन मुनाफा लेकर आएगा। उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, तेज़ वाहन चलाने से बचें। आज किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका मन किसी पुराने मित्र से मिलने का करेगा। इस राशि के विवाहित पुरुष आज जीवन साथी को साड़ी गिफ्ट करें तो संबंध मधुर बनेंगे। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। कई सालों से नहीं बिक रही जमीन आज अच्छे दामों में बिक जाएगी। सड़क पर ड्राइव करते समय थोड़ा सतर्क रहें, साथ ही मोड़ पर इंडिकेटर का प्रयोग करना मत भूलिएगा। आज परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज पूरा दिन माता पिता के साथ बीतेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए फलों का सेवन अच्छा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन
फेवरेबल है, एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आज लोहे का कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद लें। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं। लव मेट्स के लिए दिन अच्छा है, फायदा होना तय है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपका अच्छा व्यक्तित्व समाज में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। इस राशि के ठेकेदार के लिए आज का दिन धन लाभ देने वाला है। आज थोड़ी मेहनत से किसी बड़े फायदे का योग बन सकता है। जीवन साथी की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। आज आपका मन अशांत रहेगा। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आप किसी करीबी की मदद ले सकते हैं। आज आप मन को शांत रखकर विवादों को हल करने की कोशिश करें तो व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। दैनिक कार्यों में भी सफलता के आसार बन सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग लेकर आएगा। आज किसी बिजनेस डील के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। आज मुश्किल कामों को आसानी से निपटा लेंगे। आज किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। आज कोर्ट कचहरी के मामले में जीत मिलेगी, आपके दुखों का अंत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा है। आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मिलने का योग बन सकता है। भाई से अनबन दूर होगी। आज आपको नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति होगी। आज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से बचें। आपका जीवन साथी आज अपने मन की बात आपसे शेयर करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज चींटियों के बिल के पास त्रिचौली डालें। त्रिचौली मतलब चावल का आटा, गेहूं का आटा और पिसी हुई शक्कर। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज एक दूसरे को फूलमाला पहनाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो आज आप खरीदिए। मूलांक 2, पारिवारिक जीवन में खुशी आएंगी, साथ ही रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 3, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। दोस्तों के साथ फोन पर खूब सारी बातें करेंगे। मूलांक 4, किसी काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे वो काम जल्दी ही पूरा होगा। मूलांक 5, लव मेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आप लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक 6, करियर में उन्नति होने वाली है, जल्द ही तरक्की के बड़े रास्ते खुलेंगे। मूलांक 7, कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 8, बेरोजगारों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको आज रोजगार पाने का मौका मिलेगा। मूलांक 9, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा है। बिजनेस में दोगुना वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा का तत्व अग्नि है और अग्नि का सूचक लाल रंग है, अतः दक्षिण दिशा का संबंध लाल रंग से माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु से भी इस दिशा का संबंध है। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि और लाल रंग दोनों ही सर्वाधिक समृद्धिशाली होते हैं। दक्षिण दिशा में लाल रंग करवाने से या लाल रंग की चीजें रखने से इस दिशा से संबंधित तत्वों के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। चूंकि इस दिशा का संबंध घर की मझली कन्या से भी है, अतः दक्षिण दिशा में लाल रंग करवाने से, साथ ही अग्नि से संबंधित चीजें रखने से घर की मझली कन्या को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही बता दूं कि शरीर में इस दिशा का संबंध आंखों से है, अतः अगर आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या बार बार होती है तो आपको दक्षिण दिशा का वास्तु जरूर दिखवाना चाहिए और उसके अनुसार सुधार करने चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी और दिन शुक्रवार है। पंचमी तिथि आज सुबह 6:37 तक की थी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग चुकी है,
जो कि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:24 तक रहेगी। आज पूरे दिन पूरी रात कल सुबह 6:29 तक साध्य योग रहेगा, जो चीजों को साध दे। विद्या या कोई विधि सीखने के लिए यह योग बड़ा उत्तम काम बनते। इस योग में कार्य सीखने से पूर्ण सफलता मिलती है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:05 पर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। यह नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इस नक्षत्र का संबंध बांस के प्रयोग से। अतः जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। तो ये थी चर्चा साध्य योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन सूर्य देव के विशाखा नक्षत्र में के गोचर के बारे में। आज सुबह 8:14 पर सूर्यदेव विशाखा नक्षत्र में जाएंगे। 19 नवंबर की दोपहर 2:12 तक यहीं पर गोचर करेंगे। विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरण तुला राशि में और 4th चरण वृश्चिक राशि में। तो किस नक्षत्र और किस नाम वाले लोगों पर सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने से क्या फल मिलेगा, ये हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या मूल नक्षत्र में हुआ हो, या जिन लोगों के नाम ना या और भा अक्षर से शुरू होते हों, उन्हें अपने घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से बचने का ध्यान रखना चाहिए। घर में आग को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई धूप बत्ती दिया इत्यादि जलता हुआ छोड़ना इस दौरान उचित नहीं होगा। बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको गेहूँ और गुड़ का दान करना चाहिए। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर भा धा फा ढा जा खा और गा अक्षरों से शुरू होता हो, वो लोग इन दिनों यानी कि 19 नवंबर की दोपहर 2:12 तक बहुत बोर महसूस करेंगे। उनके साथ कुछ नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन उनके काम भी अच्छे से नहीं बनेंगे। इस दौरान अपने कामों को बनाने के लिए घर से निकलते समय गुड़ खाकर और पानी पीकर निकलने से आपको फायदा होगा। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की जिन लोगों का जन्म शतभिका नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र या रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को 19 नवंबर तक अपने सभी कामों में स्थिरता प्राप्त होगी। या जिन लोगों का नाम सा से शुरू होता हो, दा से शुरू होता हो, चा से शुरू होता हो, उन सभी लोगों के काम स्थिर होंगे। इन लोगों को शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात में सोते समय सिरहाने के पास पानी रखकर सोना चाहिए। जिन लोगों का जन्म अश्विनी भरणी या कृतिका नक्षत्रों में हुआ हो, उन लोगों को इस दौरान लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यानी जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर चा ला ई ऊ ए से शुरू होता है, उनके लिए ये समय माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का है। आपको खूब धन दौलत मिलेगी। इस नक्षत्र के जातकों को शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपना सांसारिक व्यवहार उत्तम रखना चाहिए। साथ ही घर में आज से 19 नवंबर तक के बीच कभी तेजपत्ता खत्म न होने पाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तेजपत्ता जो आप रसोई में इस्तेमाल करते हैं उसका ध्यान रखिए, वो इस दौरान खत्म होने के पहले ही घर ले आइए तो अच्छा है। ये तो थी कृतिका नक्षत्र की बात। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों यानी कि रोहिणी, मृक्षरा, आद्रा और पुनर्वसु। जिन लोगों का जन्म रोहिणी नक्षत्र, मृक्षरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, यानी जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर वा खा घा छा या का है, उन्हें लाभ हासिल होगा। लाभ सुनिश्चित करने के लिए आपको 19 नवंबर तक दूसरों का मजाक उड़ाना अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा आप पर ही भारी पड़ सकता है। और जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र, आश्लेखा नक्षत्र या मघा नक्षत्र में हुआ हो, या जिन लोगों के नाम की शुरुआत हा अक्षर से होती हो, दा अक्षर से होती हो, माँ से होती हो, उन लोगों के परिवार के मुखिया को नुकसान होने की संभावना है। बुरे फलों से बचने के लिए आपको 19 नवंबर तक काले या नीले कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही इस दौरान सिर ढककर रखें। ध्यान रखें कि सिर पर सूर्य की रोशनी ना पड़े।
जिन लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र या चित्रा नक्षत्र में हुआ हो, या जिन लोगों का पहला अक्षर मा टा पा ठा या अणा से शुरू होता हो, उन लोगों को फाइनेंशियल लॉस का थोड़ा फाइनेंशियल टाइट भी रहेंगे, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन लोगों को अपने रात के समय 5 मूली या 5 बादाम अपने सरहाने रखकर सोना चाहिए और अगली सुबह उन्हें किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान करने से आपको निश्चित ही फायदा होगा। और अब बात करेंगे आखिरी 3 नक्षत्रों की। जिन लोगों का जन्म स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, या जिनके नाम का पहला अक्षर रा ता या ना से शुरू हो रहा हो, उन्हें रोग, पीड़ा या भय हो सकता है। इनसे बचने के लिए आपको 19 नवंबर तक दिन के समय घर का बरामदा खुला रखना चाहिए, जिससे सूर्य की पर्याप्त रोशनी घर के अंदर आए। साथ ही इस दौरान अपने शत्रुओं को क्षमा कर दें। तो ये थी आज सूर्यदेव के विशाखा नक्षत्र में गोचर की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पुनर्वसु नक्षत्र में किए जाने वाले उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप अपने धन के कोष में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु से संबंधित वस्तु का दान करें। आप विष्णु मंदिर में जाकर 200 ग्राम हल्दी, चने की दाल या केसर आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। यदि आपके आर्थिक कार्यों में अधिक बाधाएं आ रही हैं या आपकी आर्थिक स्थिति लंबे समय से ठीक नहीं चल रही है, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में तांबे का एक सिक्का लें और बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बहुत दिनों से अशांत है या कोई पुरानी बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो इसके लिए आप पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। और यदि आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं, तो उसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में सुबह के समय भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करें और बाद में भगवान का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार आ जाएगी। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी पड़ी है, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में बांस के पौधे को नमस्कार करें और अपने मन की बात कहें। अगर बांस का पौधा न मिले तो इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें, मनोकामना जल्दी पूरी होगी। घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में मंदिर के आंगन में बांस का पौधा लगाइए। ऐसा करने से आपके घर का सुख सौभाग्य और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। देखो, ये आप पुनर्वसु नक्षत्र में लगाइए और घर की पूर्व दिशा में रखिए। लेकिन ये बता दूं कि साल में सबसे अच्छा समय बांस लगाने के लिए तब होता है जब सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करते हैं। वो जुलाई के आसपास आता है, हम आपको हर साल बताते हैं। उस दौरान बांस जरूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में अपने ऑफिस की पूर्व दिशा में बांस का पौधा लगाइए। ऐसा करने से आपकी कोशिशें अवश्य सफल होंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्यदेव के विशाखा नक्षत्र में गोचर और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, ऑफिस में काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे और आपके प्रमोशन होने के भी योग बन रहे हैं। बी, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है, एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। सी, सामाजिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा, आपके लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। डी, खान पान में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, बाहर का जंक फूड खाने से बचें। ई,
आज का दिन परिवार वालों के साथ बिताएंगे, इससे आपके प्रति प्यार और बढ़ेगा। एफ, परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, सब लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे। जी, धन लाभ के बड़े मौके मिलेंगे, इन मौकों को अपने हाथ से निकलने न दीजिए। एच, अचानक कोई करीबी रिश्तेदार आ सकता है, उसके आने से आपको बहुत खुशी होगी। आई, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, साथ ही आपकी जरूरतें पूरी होंगी। जे, किसी तरह के विवाद में पड़ने से बचें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। के, गुस्से में किसी से भी बात करने से बचें, नहीं तो किसी से आपका झगड़ा हो सकता है। एल, घर के किसी काम में आप उलझे रहेंगे, लेकिन शाम तक वो काम पूरा कर लेंगे। एम, आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में रहेगा, किसी धार्मिक स्थान पर भी जाएंगे। एन, आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ओ, व्यापार के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, आपको अचानक से वृद्धि होगी। पी, बच्चों के लिए आज शॉपिंग करने जा सकते हैं, बच्चों के मनपसंद चीज खरीदेंगे। क्यू, आपके करियर में बदलाव होगा, जिससे आपका करियर पहले से बेहतर बनेगा। आर, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके बिजनेस के बारे में कुछ बेहतरीन बात बताएगा। एस, पारिवारिक कामों में सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपस में प्यार बढ़ेगा। टी, लवमेट से आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, जिससे आप लोगों के बीच और प्यार बढ़ेगा। यू, जिस मौके का आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, वो मौका आज आपके सामने आएगा। वी, इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। डब्ल्यू, अगर कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। एक्स, आज का दिन बेहतरीन रहेगा, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। वाई, अपने कार्यक्षेत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेंगे, जिससे आपके काम अच्छे से पूरे होंगे। जेड, ऑफिस में जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है, जिसको आप समय पर पूरा कर लेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वाराणसी के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के दर्शन। ये मंदिर वाराणसी के रामनगर इलाके में स्थापित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक बंगाली रानी ने कराया था। दुर्गा मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। मंदिर प्रांगण में एक वर्गाकार कुंड भी है, जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। मंदिर गेरुए रंग के पत्थरों से बना है। यहाँ देवी दुर्गा की प्रतिमा काले रंग के पत्थर से बनी है और उनके वस्त्र लाल हैं। मंदिर को लेकर भक्तों में अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है। दूर दूर से देवी के भक्त यहाँ देवी दुर्गा के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन और पवित्र मंदिर के दर्शन। अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 6:37 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल षष्ठी तिथि चल रही है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि कल सुबह 7:24 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि 8 तारीख की सुबह 7:30 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना निषिद्ध है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर दीपक जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।